हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। और आज हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे, क्या कुछ महसूस करेंगे, क्या कुछ उनके फीलिंग्स में थॉट में चेंजेस आए। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। एक कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन Yes, बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, तो ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखें और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हो तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, और रीडिंग तभी रेजोनेट होती है जब आपको यकीन होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे सच्चा प्यार करता है या आपके दिल को पता होता है, तभी आपको आपके साथ रीडिंग जो है रेजोनेट होती है। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में प्यार ही नहीं है तो रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। अगर मतलब आपको पता होता है प्यार है या नहीं है, ठीक है, अगर आपको आपका दिल मानता है ना आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता था, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, आपको कैंडल की लो पे फोकस करना है और एकदम अच्छा अच्छा आपके पार्टनर के बारे में सोचना, उनका फेस इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ, एकदम हैप्पी हैप्पी सोचो उनके बारे में और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखो। चाहो तो आप 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो। ठीक है, आप अगर पॉज करते हो ना तो रीडिंग ज़्यादातर मतलब 80% तक रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स कि जो भी मेरे व्यूअर्स है इनके पार्टनर्स इनके बारे में आज रात क्या कुछ महसूस करेंगे, क्या कुछ फील करेंगे, क्या कुछ इनके थॉट्स में चेंजेस आए हैं। ओ वाह, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, यहाँ पे चांद और तारा एक साथ चिपका हुआ आया है। वेरी नाइस, मतलब आपके पार्टनर आपको मतलब आप उनका जीवन का तारा हो। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छी क्रिएटिविटी यहाँ पे बन गई है, मतलब आपके साथ वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना ड्रीम क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपना जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बातचीत करके सब कुछ डिसाइड करके एक अच्छा डिसीजन लेके वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। और क्रिएटिविटी नज़र आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आज, मतलब ना बहुत अच्छा अच्छा एक ये ईगल बन गया है यहाँ पे। ईगल मतलब आपको एकदम वो ईगल की तरह देख रहे हैं और फ्री, मतलब एकदम फ्री माइंडेड ओपन माइंडेड ये हो चुके हैं आपके लिए। और जो भी नेगेटिविटी थी ना आपसे रिलेटेड इनके माइंड में, वो सब कुछ हट चुकी है, एकदम क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, डेफिनेटली मतलब स्टक तो है आप में और बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा लिटिल बेबी बना है और आपके पार्टनर डेफिनेटली मैरिड नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। और गाइज वो ना बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का, बहुत ही जल्दबाजी में लिया था, उस बारे में बहुत ज़्यादा थॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीती बातें याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास की जो भी बातें हैं ना, मतलब जो आपका स्टार्टिंग का प्यार था, आपके जो फर्स्ट लम्हे थे जब आपने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था, किस तरह से बातचीत स्टार्ट की थी, किस तरह से एकदम मतलब फर्स्ट टाइम आप पास आए थे, वो सब कुछ महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे बने हैं, बहुत मतलब आपको लेके वो आसमान में उड़ना चाहते हैं। लिटरली वो आपको अगर मिलेंगे ना आपको, आपको ट्रैवलिंग का ऑफर कर सकते हो, कह सकते हैं कि हम घूमने जाएंगे, इस तरह से मतलब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत है इनका, उनसे बातचीत करके उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है। ठीक है, आपके पास डेफिनेटली कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आना चाहते हैं। ठीक है, थोड़े से सैड नज़र आ रहे हैं, मतलब वो बीती बातें सोचते हैं इसीलिए वो सैड हो जाते हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन, इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छी फीलिंग, ट्रू फीलिंग। और गाइज इनको ना लिटरली मतलब अच्छे से पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो और इसीलिए इनका दिल बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करता है। अचानक से ना मतलब ये हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आपके याद कर रहे हैं। ठीक है, और अचानक से रोना आ जाता है, इनको आंखों से पानी बह जाता है, इनको समझ में भी नहीं आता
कि आँखों से पानी कैसे मतलब निकल आया, इस तरह से आपको इतना याद करते हैं या आपको फील कर पाते हैं आज भी, ठीक है, आपको फील करते हैं, आपका टच महसूस कर पाते हैं, ठीक है, आपको पूरी दुनिया मान बैठे है। यहाँ पे ए बना है, ओ बना है, एल बना है, वी बना है और ट्रायंगल भी बना है जो कि बताता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्माइली यहाँ पे बने हैं जो कि बताते हैं कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ अब आने वाली है, आपके पार्टनर आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। थोड़े नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं पेंटाकल्स, मतलब पैसों का कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसे उभर जाएंगे। उनको पैसों का कोई टेंशन नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। उनको पता है उनके लाइफ में जो भी पैसों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है, क्योंकि ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, थीके? इनको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर किसी अब कोई भी अच्छा काम करते हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पेमेंट वगैरह इस तरह से मिलता होगा, बड़ा पैकेजेस इस तरह से, तो पैसों का प्रॉब्लम होता भी है ना, इनको पता है कि मेरा बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, तो ये पैसों का टेंशन नहीं लेते, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस इनका आप ही की तरफ है इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको इमेजिन कर रहे हैं अपने, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इस तरह से देख रहे हैं कि आप उनके पास हो, इनके साथ हो इस वक्त, ठीक है, या आज रात की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, वो चाहते हैं आपसे बहुत जल्दी मिलना, ठीक है। और गाइस मतलब है ना, इनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप में मतलब कभी भी उनसे कुछ भी नहीं चाहा है, ठीक है, आपने अनकंडीशनल उनको जो लव दिया था ना, वो लव बहुत ज़्यादा आज मिस कर रहे हैं, ठीक है, और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत दिनों से, मैं आपको ये बता सकती हूँ 6 महीने से 1 साल से ऊपर हो चुका है आप दूसरों, आपको एक दूसरे के करीब आए या फिर देखे हुए, कुछ लोगों को 3 साल हो गए, ठीक है, और कुछ लोगों को 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे जो 1 साल से अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, और कुछ है जो 50% या 30% हो सकते हैं जो 6 महीने से आपके पार्टनर से नहीं मिले हो, आपके पार्टनर जो है फीलिंग थोड़ी सी हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ है जो छुपाते भी है, ठीक है, और वो जो भी थर्ड पार्टी है ना गाइस, उन्होंने बिना सोचे समझे डिसीजन लिया था, उनको उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि अगर आप उनसे, उनको ऐसा लगता था कि आप उनसे कभी भी दूर हो ही नहीं सकते, आप उनसे इतना प्यार करते हो, इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए और ये जो भी लड़का है या लड़की है, मतलब आप ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, भले मैं इनके साथ किसी भी तरह से पेश आऊँ, इतना कॉन्फिडेंस था इनके अंदर आपको लेके, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लिटरली टूट गया है ना, तो इसीलिए मतलब वो सोच रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, मतलब क्यों मैंने इतने अच्छे प्यार को धोखा दे के मैंने किसी और को अपने लाइफ में लाया, जबकि मुझे खुद को पता था कि मैं नहीं खुश रह सकता इसके बिना, इस तरह से फील करते हुए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से सैड होते हैं, आँखों से आंसू निकल आते हैं, फिर उठ के बैठते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एकदम हार्ट तो हर रोज़ बनता है, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, अपने प्यार पे कभी भी डाउट मत करो, इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, बस ज़रा सी इनकी नीयत जो है ग्रीडी लालची बन गई थी और इसीलिए उन्होंने उसी चक्कर में आपको धोखा दे दिया, लेकिन उनका आपको छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, उनको लगता था कि वो धोखा भी दे देंगे फिर भी आप उनको नहीं छोड़ोगे और आप उन्हीं के पास टिके रहोगे इस तरह से, लेकिन आपका दिल, शायद आपके दिल ने ये नहीं माना, ऐसा हो सकता है आपके दिल ने ये सोचा कि मेरा इतना मतलब सच्चे प्यार को इस इंसान ने इस तरह से धोखा दिया, तो आपको ये झटका सहन नहीं हुआ इस तरह से हम बोल सकते हो, शायद इसलिए आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चिल्लाया होगा, जब इनका शादी तो हुआ था उसी टाइम पे आपने अगर इनको बहुत ज़्यादा अपने पास लाने की कोशिश की होगी रिलेशन ना टूटे इसके लिए, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा शाउट किया होगा, बहुत ज़्यादा रूडली आपसे बात की होगी और आपको अपने आप से दूर किया होगा, क्योंकि इन्होंने खुद आपको दूर किया अपने आप से, और ये सारी बातें ये सोचते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, ये उनको लगता है कि मैंने क्यों इतना मतलब इतना बदतमीजी से बिहेवियर आपके साथ किया, ये बस आपकी बीती बातें आज याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्यार को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए ना कुछ भी आज बुरा नहीं है, मतलब नेगेटिव जो भी नेगेटिव कुछ थॉट्स भी थे ना वो भी हट चुके हैं,
ठीक है, ये बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और बहुत जल्दी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कहीं पे घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं आपको, मतलब मैंने बोला ना आपके साथ उड़ना चाहते हैं कहीं पे आउट ऑफ कंट्री आपको लेके जाने के प्लान कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिस सिटी में रहते हो उस सिटी से कहीं बाहर लेके जाने के प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इनसे ऑफर आएगा, कॉल आएगा, ठीक है, कहीं घूमने जाने की बात होगी, ठीक है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। और यस, ये आज के आपके पार्टनर के रात के थॉट थे। और यहाँ पे बना है सी, ओ बना है, एल बना है, डब्ल्यू भी बना है, बी है, एम है, पी है, एक्स है, इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स, लेकिन एक्स बना है यहाँ पे, ठीक है। और यस, इतने इनिशियल्स हैं, नंबर 7 है, नंबर 2 है, 4 भी है, 8 बना है यहाँ पे, इन्फिनिटीज़ बहुत ज़्यादा बने हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स और जो इनिशियल्स बताए वो आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट और आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पी हो जाइए, कुछ पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किसकी रीडिंग निकल के आई है, मुझे मतलब पता चलेगा कि किसके एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।